गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आपको एक चीज़ दिखाते हैं और ये देखो, बर्फ़ जमी हुई है पूरे बैग्स पे। देख रहे हो कितना ठंडा था यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जस्केट और हुंदर से। और ये है सुबह सुबह का यहाँ से नज़ारा। आपको आपसे दिखाई नहीं देगा। ये सुबह सुबह यहाँ से नज़ारा जो मेरी विंडो से दिख रहा है। और ये खड़ी अपनी बाइक्स। और ये अपना रिजॉर्ट था, नुब्रा वैली रिजॉर्ट। और यहाँ थोड़ा अंदर का ऐसा रूम, थोड़ा सामान पूरा फैला पड़ा है अपना। अभी सबसे पहले निकलेंगे यहाँ से पेंगोंग के लिए, ताकि जल्दी पहुँच जाए, कोई भी हर्डल ना मिले। तो सबसे पहले पीते हैं चाय, क्योंकि चाय वैसे मैंने बंद कर दी थी, बट यहाँ इतना ठंडा हो रहा है कि कुछ तो नशा चाहिए सुबह सुबह। तो चाय पीते हैं, उसके बाद पैकिंग शेकिंग करते हैं, निकलते हैं सीधे पेंगोंग लेक की तरफ के लिए। क्या सुबह सुबह का पीसफुल नज़ारा है ये, अल्टीमेट व्यू। ये अपने कॉटेजेस जो बने हुए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ के जिगमा दोरजे जो यहाँ के ओनर है, मैनेजर हैं, और काफ़ी हमें इन्होंने मतलब किसी चीज़ की परेशानी होने नहीं थी यहाँ पे। ब्रेकफास्ट अभी बन रहा है। ब्रेकफास्ट में क्या क्या भैया? पराठा है, ऑमलेट है। अच्छा, पराठा क्या है? आलू पराठा है, तो आलू पराठा कर देना, ठीक है ना। और चाय, चाय भी हो जाएगी। अच्छा, तो ये अपनी चाय यहाँ पे गर्मा करो। हाँ हाँ, सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट करने का टाइम आ गया बाइक का। देखते हैं बाइक कैसा क्या रिस्पॉन्स देती है। Yes, okay. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पेंगोंग लेक, और बाइक रेडी, कोल्ड स्टार्ट वगैरह सब हो गया। बाढ़ देखो क्या खूबसूरत है आ रही है। और आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा सुबह सुबह का। धूप थोड़ी गलत डायरेक्शन से आ रही है, पहाड़ों के कलर्स थोड़े फेड हो जाएंगे इसमें, बट ये देखो क्या खूबसूरत पहाड़ है यहाँ पे। यह है हुंदर, आगे 10 किलोमीटर पड़ेगा इसके डिस्केट। और छोटे छोटे यहाँ पे कुछ ये स्तूपा टाइप बने हुए हैं, आई डोंट नो, मुझे नाम नहीं पता इनके, स्तूपा बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट यहाँ पे ये गोल घुमाने वाला एक कुछ तो भी होता है जो जिसमें मंत्र लिखे होते हैं, तो मंत्र साइट्स होते हैं अगर आप उनको घुमाओगे तो। काफ़ी ऑस्पिशियस मानते हैं यहाँ के लोग और बेबी याक। सुबह जब बाइक मैंने कोल्ड स्टार्ट करा, तो उत्तम ने जब कोल्ड स्टार्ट करा था, तो उनकी बाइक का जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग, वो था 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और सीट पर तो बर्फ़ आपने देखी ली होगी, तो इसका मतलब रात को टेम्परेचर माइनस तो हिट किया है, तभी बर्फ़ जमी हुई थी। तो जब आप ले की तरफ से मतलब खारदुंगला वगैरह की तरफ से जब बिस्किट आप आओगे, तो आपको ये नज़ारा मिलेगा आते समय। अभी हम जा रहे हैं वापस, तो ऐसा नज़ारा बहुत ही शानदार और क्या मतलब एकदम पैनोरामिक टाइप व्यू है। हरी मेक्स वरी, ट्विस्टीज देखो यार, रोड देखो, मतलब चलाने का अल्टीमेट मज़ा है इस पर। बस आपको थोड़ा होशियारी रहना पड़ेगा, कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको सैंड मिल सकता है और रोड पे, या ग्रेवल मिल सकता है, थोड़े बहुत स्टोन ऊपर से आके पड़े रहेंगे, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि जैसे ही आप छाया में आओगे, ऐसे में सुबह के टाइम पे आपको मिल सकती है ब्लैक आइस। तो आप हेलमेट करना ऊपर एंड ब्रेक मत अप्लाई करना, क्योंकि अगर ब्लैक आइस हुई तो फिर आपकी बाइक
बहुत ही गंदी वाली स्लाइड करेगी। देखो तो ग्रेवल मिला यहाँ पे, और ये देखो जो नदी चल रही है क्या खूबसूरत प्यारी। अब आप सोचो कि ऐसी जगह पर अगर आप कैंपिंग करोगे तो क्या मज़ा आएगा। ओ भाई साहब ये कहाँ से आ गया। देखो ATV व्हीकल खड़े हुए कई सारे, तो ये आप कर सकते हो। हमारे पास तो ऑफ रोड बाइक है, तो वी कैन एनी टाइम एंजॉय दिस ऑन आवर बाइक ऑल्सो। अघम AGHM 23 किलोमीटर, तो 23 किलोमीटर में पड़ेगा कुछ गांव अघम करके, और वहां पे हमारा होगा नेक्स्ट। ब्रेक तो नहीं होगा खैर। ये देखो पूरा पैक करके ले जा रहे हैं बाइक पर अपनी। पूरी ऑफ रोडिंग की प्रैक्टिस हो जानी है यहाँ पे, और नेक्स्ट टाइम जब हम लद्दाख करेंगे तो फुल चीते बन जाएंगे। व्लॉग ये थोड़े से लंबे बनेंगे क्योंकि यहाँ इतने सारे नज़ारे हैं ना, क्या दिखाऊँ कहाँ ना दिखाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब हर जगह पर नज़ारे ही नज़ारे भरे पड़े हैं थोक भाग हुए। व्लॉग थोड़े लंबे जाएंगे तो इसलिए अच्छे से देखना ताकि आपको पूरा समझ में आए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। आगे शायद कोई बैकअप व्हीकल खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत से बाइकर ग्रुप चलते हैं जैसे इनके किसी के पास भी लगेज नहीं है, सब लोगों ने इस गाड़ी में डाला हुआ है। अब ये लोग फ्रीली चल रहे हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आओ और गाड़ी अपना करो और आराम से घूमो बिना किसी टेंशन के। कोई लगेज का टेंशन नहीं लेके चलना होता है, आराम से ऑफ रोडिंग हो जाती है पूरी। बाइक वाइक लोड नहीं होता ना, बाइक अच्छे से दौड़ती है पूरी। सबसे बड़ी बात यह है आगे भाई साहब लग रहा है अपनी वीडियो बना रहे हैं। चीयर्स ब्रो। अब क्या बोलेंगे, ये तो बोलेंगे। अब देखो आगे ये बंदा जा रहा है एनफील्ड पे, कोई लगेज नहीं है, एकदम फ्रीली भगा रहा है बाइक को। अपने को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना सारा सामान लोड करके बाइक पे मैं चला रहा हूँ, और जो ख़राब रास्ते आते हैं देख के हालत ख़राब हो जाती है। तो ये एक जगह थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि स्ट्रैप लूज़ हो गया था, और ये अच्छी लोकेशन कुछ यहाँ पे। ये मेरी बाइक, भयंकर सामान लोड है जिसकी वजह से काफ़ी हैंडलिंग थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और ये उत्तम पीछे स्ट्रैप स्ट्राइट कर रहे हैं। ये रोड देखो क्या ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग। और यार पहले से बिल्कुल ऐसे रोड पे चलाने की इतनी लोड के साथ प्रैक्टिस नहीं है। आई होप बाइक गिरे ना बस, नहीं तो कांड हो जाएगा अभी। बगल में रिवर देखो, मतलब एकदम रॉ फीलिंग है इस जगह की पूरी। आगे सैंड। पैर फंस गया है, उठानी पड़ेगी बाइक। रुक जाओ। आ गया। तो ये हो गया, मुझे
प्रैक्टिस नहीं लगाना था सैंड पे, उठेगी नहीं अभी है, उठानी पड़ेगी। तो मैंने ब्रेक नहीं लगाना था सैंड पे, जिसकी वजह से आगे का टायर स्लिप किया, उसने अपना एक अलग रास्ता बनाया और कांड हो गया। पानी पीना ऊपर सामने ग्लेशियर। हाँ एक्चुअली मैं बाइक पीछे से बहुत ज़्यादा हैवी है मेरी, शुक्र है कि पेट्रोल टैंक लीक नहीं किया। मेरा पैर पूरा मुड़ गया था और काफ़ी गंदा सीन होता अगर मैं अकेले होता और कोई साथ में और कोई नहीं होता तो, बट ऐसे ही होता है। अभी सैंड पे थोड़ा देख के ही निकालूंगा, क्योंकि यार सैंड पे चलाने के लिए एक अलग सेशन लेना पड़ेगा। विद इतना सारा सामान जब कैरी कर रहे हो तो स्पेशली, क्योंकि हल्की बाइक रहती है तो कंट्रोल आसान से हो जाती है। तो ऐसा होता है ऑफ रोडिंग बाइकिंग लद्दाख। एक और लग अच्छा था कि सॉफ्ट लगेज था, अगर पैनियर्स होते एल्यूमिनियम के तो तीन और भी ज़्यादा गंदा हो सकता था, पर छोड़ो जो हुआ वो तो हुआ। ये देखो ये देखो ये देखो, यही तो मज़ा है लद्दाख में बाइक चलाने का। गिर गए तो क्या हुआ, एडवेंचर राइड पे निकले हैं, थोड़ा एडवेंचर तो होगा ही, बट ये बाइक को चलाने का असली मज़ा इस जगह पे है। कितने पत्थर कैसे पे निकालने, एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है ये। मैंने पहले कभी नहीं किया है ऑनेस्टली, आई एम नॉट ए प्रो बाइकर, बट इस बाइक के साथ में ये सब एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। इतने स्मूथली मैं निकालता जा रहा हूँ, बस सैंड पे मुझे प्रैक्टिस नहीं है, सैंड पे मानना पड़ेगा, सैंड पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से जब सैंड आता है ना तो बाइक का जो आगे का टायर होता है वो अपना एक अलग ही करंट ले लेता है सैंड की वजह से। ऐसे में अगर आपने ब्रेक लगा दिए तो भैया काम तो होना ही है। नज़ारे क्या जगह है, इस जगह का फील एकदम अलग है, एकदम दूर दूर तक कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, आगे कोई नहीं, एकदम खाली जगह। मतलब एक अलग ही वाइब है इस जगह की, इतना ओपन और इतना, ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव फील हो रहा, बहुत ही पॉजिटिव वाली फीलिंग है यहाँ पे। और बगल में सामने दिख रही है श्योक रिवर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने, ये व्लॉग शायद लंबा हो जाएगा, बट कट करने का मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है बंद करने का, क्योंकि अगर मैं बंद कर दूंगा तो फिर यही मिस हो जाएगा, तो दिखाऊंगा क्या। इसलिए मैं बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा, मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग ये मिस करो, पूरा देखो जो
मज़े आ रहे हैं इसमें कसम से, बहुत अल्टीमेट वाले आ रहे हैं। इस रूट में जो बाइक चला के बहुत सही मज़ा आ रहा है। वाटर क्रॉसिंग कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, आराम से निकल जाएगी, बस पत्थर बीच में ना मिले। निकल गई, निकल गई। एक्चुअल में अक्टूबर का महीना है तो ग्लेशियर्स ऑलमोस्ट पिघल गए होते हैं, तो ज़्यादा तगड़ी वाटर क्रॉसिंग उस टाइम पे नहीं मिलेगी। वहीं अगर जून के टाइम में आते तो वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा मिलती है हमें। टारमैक आ गया। अभी हम लोग निकल रहे हैं तांगसे से, और यहाँ से एक रास्ता सीधे चुशुमले के लिए जा रहा है, और चुशुल के लिए सॉरी, और सीधे ये पैंगोंग की तरफ जा रहा है। तो फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रुथ, एंड हम लोग पहुँच गए हैं पैंगोंग लेक। सामने बहुत हल्की सी ब्लू ब्लू दिख रही है, आप सामने आ गई, और पैंगोंग लेक गाइस पहुंच गए। ओ भाई क्या कलर है इसका, मिक्स कलर। ये इधर कहाँ बंद कर रखा है ये, आगे लग नहीं रहा कि मेरे को आगे कहीं जा रहा है, पत्थर बंद कर रखे हैं। लुक देखो यार इसका कितना खूबसूरत है, एकदम ग्रीन ग्रीन कलर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही। ओके आर्मी वाले कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं उधर साइड से जाना है, हम लोगों ने गलत रूट ले लिया है, तो वापस गाड़ी घुमाते हैं और उधर से रास्ता है बैक साइड में वहाँ पे, ये हम लोगों ने गलत रूट ले लिया है। तो पैंगोंग से दो रास्ते कट रहे हैं, एक लेफ़्ट की तरफ एक राइट की तरफ, तो राइट की तरफ हमें रहना था। वापस चलते हैं, और एंड वी आर लकी कि ब्राइट सनी डे है और कलर्स बहुत अच्छे से दिख जाएंगे, नहीं तो उसका एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलता है, कलर्स अच्छे से दिखाई दे जाते हैं। तो ये था, ये स्टोन्स यहाँ लगे हुए हैं, हमें ध्यान देना चाहिए था, यहाँ से नहीं निकलना चाहिए था हम लोगों को, और हमें यहाँ से लेना होगा लेफ्ट की तरफ। ऊपर रोड जाती दिख रही है ना, उस पर जाना था हम लोगों को, बट अभी ये शायद यहीं से ऑफ रोडिंग करके जाएंगे। यहाँ पे सामने दिख रहे हैं टेंट, कुछ तो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, टेंट वेंट बने हुए हैं, आई गेस ये शायद आर्मी का होगा, एंड ये आर्मी के बने हुए हैं। ओ ये रोड था जो हमने मिस कर दिया। लुक एट दिस गाइस, कलर्स देखो, कलर्स देखो, कलर्स देखो, कितने कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ब्लू, एक्वामरीन, हेमरॉल्ड, मतलब मिक्स ऑफ, मतलब कलर इतने सारे दिख रहे हैं ना कि क्या बताऊँ, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग लाइक दिस इन माय लाइफ। मोस्टली जहाँ पे गए सब एक ही तरह का होता है, बट यहाँ पे कलर्स देखो यार, थोक के भाव कलर्स हैं। तो आगे चलते हैं, और अभी ये देखो काफ़ी बाइकर्स लौट के आ रहे हैं। अभी आगे टेंट हाउस काफ़ी मिल जाएंगे, वहीं पे हम लोग कोई भी अगर कैंप दिखेगा, जो भी दिखेगा, टेंट हाउस दिखे या कैंप दिखे या फिर जो भी रिजॉर्ट टाइप दिखेगा, वहाँ पे रूम ले लेंगे, और कोशिश करेंगे कि एकदम पास में ही हो, बहुत ज़्यादा दूर ना हो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ओके मेरे राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ में दिख रहे हैं सारे रिजॉर्ट्स वगैरह, और यहीं पे कोई जगह देख के अच्छे से हम लोग आज का स्टे ले लेंगे। तो यह है आज का, एंड यहाँ पे है गो ग्रीन्स पैंगोंग। आज का वीडियो थोड़ा ही लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं एंड कर रहा हूँ।
कल अगले वीडियो में आपको पेंगोंग अच्छे से दिखा दूंगा, जो भी हम लोगों ने आज करेंगे, क्योंकि आज स्टे करेंगे, कल फिर निकल लेंगे आगे की तरफ। और